अगर आप ज़्यादा प्रेशर करोगे तो जब बदमाश हो जाता है तो सोचिए क्या होता है उसके साथ। और एक छोटे से बच्चे के सामने अगर उसके बाप को मार दिया जाए तो ये तो खुन्नस में आ ही जाएगा। और डंडनायक में जो मैं आप लोग के सामने एक एक्शन रोमांस की तरह एक मूवी आ रही है डंडनायक, आप लोग का प्यार हमेशा मेरे पास रहे, बरकरार रहे और बाकी माता रानी का आशीर्वाद रहे। बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि डंडनायक एक नाम में ही नाम है, और दूसरी बात धनंजय मिश्रा जी इनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और गाने भी बहुत अच्छे हैं, कबीर जी के गाने हैं इसमें, और डायरेक्टर हमारे रामपाल जी हैं, अच्छे डायरेक्शन भी है, सब कुछ है उनका। किस तरह की स्टोरी है सर? सबसे अलग स्टोरी है, दो भाइयों की कहानी है, क्योंकि बाकी आपको बता देंगे तो दिक्कत है, तो बाकी फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। मेरे अपोजिट में सुबी शर्मा जी है, यश मिश्रा जी हैं, पूनम दुबे जी हैं, साहिल शेख है, संजय पांडे जी हैं, संजय वर्मा जी हैं। सबसे पहले भोजपुरी समाज के हम हार्दिक प्रणाम करते हैं। इसमें हमारा नेगेटिव कैरेक्टर हुआ, बहुत ज़बरदस्त रोल है, फिल्म बहुत ज़बरदस्त बन रही है। संजय जी का छोटा भाई हूँ, एक करप्ट मंत्री का कैरेक्टर कर रहे हैं हम, इसमें छोटे भाई का कैरेक्टर है, ज़बरदस्त रोल है और फिल्म बहुत ज़बरदस्त बन रही है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग फिल्म देखें और सुपरहिट बनाएँ, बहुत ज़बरदस्त। गाने बहुत कर्णप्रिय हैं और गानों के बारे में जितना बोला जाए कम है, क्योंकि रियली धनंजय जी मिश्रा जी का वो है, म्यूज़िक है, और नो डाउट इंडस्ट्री की सबसे टॉप गायिका इस समय गाना गा रही है, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी फिल्म होगी और कितने अच्छे गाने होंगे। थैंक यू सो मच। कैसे हैं जी? रेडी? यही भैया दंत नायक जी, क्या कहना चाहेंगे ये किला उस मतलब बात? दंत नायक कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, रामपाल जी के साथ पिछली बार काम करते करते रह गए थे, इस बार काम करने का मौका मिला है, बड़ी प्रसन्नता है। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, फिल्म के किरदार एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। कहानी देखने के बाद लगा कि आजकल हमारी इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती हैं टाइटल का कहीं लेना देना होता नहीं है कहानी से, बट ये कहानी और ये टाइटल एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। खुशी है कि रामपाल जी इस फिल्म को अच्छे से बनाएं, यही चाहते हैं। एक सशक्त पुलिस ऑफिसर है जो समाज से क्राइम को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन उसके कैरेक्टर को पिरोया जो गया है वो कॉमेडी के परिवेश में पिरोया गया है, तो बहुत ही अच्छा एक डिफरेंट टाइप का है। जैसे आपने राउडी राठौड़ में अक्षय कुमार को देखा था कि वो बिल्कुल हरफन मौला कॉमेडी कैरेक्टर है, बट है एक सशक्त पुलिस ऑफिसर, वैसा ही एक शानदार सा कैरेक्टर है। उस कहानी से लेना देना कुछ नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस के लिए बता दिया मैंने। पूनम जी, पूनम दुबे जी, पहली बार हम साथ में काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ, इत्तेफाक ही समझ लीजिए, पहले कई बार बातें आती रहीं जितनी मूवीज़ की है उसमें, कई लोग बोलते थे कि पूनम जी को सोच रहे हैं। फाइनली वो सपना जो था वो, मतलब एक यंगस्टर को आज साथ में काम करना चाहिए, तो रामपाल जी ने वो चीज़ जो है उसको साकार कर दिया, और अच्छा लग रहा है कि आज हम पूनम जी के साथ में हैं, और सौभाग्य है हमारा कि पूनम जी के साथ काम कर रहे हैं। वो आँखें चार का तो रामपाल जी ने जो भी कॉन्सेप्ट सोचा है वो आप देखेंगे, लेकिन इन्होंने कहा सपना साकार, तो उसके लिए मैं सच कहूँगी, ऋतु जी ने और रामपाल जी ने बहुत, मतलब मेरा ड्रीम कम ट्रू कर दिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे यश जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू ऋतु मैम, थैंक यू रामपाल सर, एंड स्पेशली थैंक्स फॉर एवरीवन। मैं पहली बार ऐसा किरदार करने जा रही हूँ जिस तरह से मुझे बताया गया कि एक एक्शन इमोशन ड्रामा एवरीथिंग सब कुछ इसमें मिलेगा, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस रोल के लिए कि आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो भोजपुरी से हटके है। ऐसा नहीं कि भोजपुरी की माटी को डिफरेंट करेंगे, भोजपुरी के टच को रखेंगे, लेकिन कुछ नया कुछ अच्छा मिलेगा ऑडियंस को। बड़ा अच्छा, नीचे वो एक गाना गा रही हैं, क्या गाना था जी? गाने का बोल, अरे काहे पहिर लूना
नथुनिया काहे पहिर लूना कि जब से चढ़ल बतो हर जवनिया नथुनिया काहे पहिर लूना समथिंग ऐसा है। गाने की रिकॉर्डिंग है, इंदु सोनाली जी गा रही हैं। बड़ा प्यारा गाना है और शुभकामनाएं हैं इस मूवी के लिए, सारे लोगों के लिए, कि फिल्म बहुत अच्छी बने और पंपर हिट हो। हर इंसान मूवी साइन करते समय और काम करते समय यही सोचता है कि वो एक अच्छी मूवी बनाए, और मेरी भी कोशिश यही रही है। अभी तक जितनी मूवीज़ जो रिलीज़ होने वाली हैं, अभी सपेरा रिलीज़ होने वाली है, पहली बार मैं दो हीरो के साथ काम किया हूँ, पवन सिंह हैं और मैं हूँ, कमाल की फिल्म बनी है। उसके बाद हीरो गमछा वाला आ रही है, फिर आएगी बलम रसिया, उसके बाद से हमका इशक हुआ है, यारों है, लागी तुझसे लगन है, जो ये पांच मूवीज़ कंप्लीट हैं, बैक टू बैक रिलीज़ होने वाली हैं। इसके बाद दंडनायक कर रहे हैं, दंडनायक के बाद से एक्शन राजा है, जहरीला है, कसम पैदा करने वाले की है, बैक टू बैक काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं। बस दर्शकों से एक ही चीज़ है कि अपना प्यार यश कुमार मिश्रा पर बनाए रखें और लाइफ टाइम तक देते रहें, ताकि मैं अपने अभिनय से आप लोगों की सेवा कर सकूँ। देखिए, ये फिल्म जोन है, हमारे यहाँ बड़ा सर समस्या बा, बहुत तकलीफ बा, बहुत चीज़ बा, वही के सामने उजागर करत बा। हॉस्पिटल है, दवाई के नाम पर दवाई नहीं है, रोड बनत है, पुल टूट जाता है, रोड टूट जाता है, आदमी परेशान हो, भ्रष्टाचार और दंडनायक दोनों मिक्स करके कम है। यश जी के करेक्टर है इस ईमानदार ऑफिसर के, जौन मंत्री नेता लोगन के कठपुतली बन के रह, वो एक ऐसा ऑफिसर आवेला जौन सबके ले आके एक सूत्र में बांध के और भ्रष्टाचार के मुक्त करेला। आनंद जी के करेक्टर है बचपन से बगावत के तरफ, वो ऐसे जगह पलल बढ़ा हुआ कि उनके अंदर एक आग है कि हम ये समाज में जौन भ्रष्टाचार बा, जौन तकलीफ बा, जौन लोगन के बीच में होता हो, कि कैसे पार को कैसे के हमारे साथ आवे जब हम लड़के के पार घाट लगे, तो उनके साथ ही दो जोड़ी मिले, एक पत्रकार, एक इंस्पेक्टर, ये तीनों जना मिल के फिर बादशाहत सबके ख़त्म कर लें, जे जे जौन जौन करे लें, यह है कुल मिला के। कब से फ्लोर पे सात या आठ तारीख, 8 मार्च मई एंड, कोशिश करेंगे मई एंड रिलीज करने की। क्या सोच के, अच्छा सोच के रिलीज किया? रीज़न क्यों करना चाहते हो इसके लिए? रीज़न कुछ नहीं है, देखा था आपने, सुना था जब। हाँ जी, हाँ जी, लगी अच्छी लगी, इसके लिए तो प्रोड्यूस किया। आपकी राइटिंग के बारे में जानना, राइटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सबसे अहम बात यह है कि दर्शक भोजपुरी से भाग रहा है, भोजपुरी का ही दर्शक, उसको हम लोग इस फिल्म से खींच के लाएंगे फिल्म में। और डायलॉग इसके अच्छे हैं, डायलॉग मतलब विलेन हो, हीरो हो, सबका डायलॉग अलग है, अपने अपने जगह पर अच्छा है। बस सर, आपके ऐसा क्या लगा जब पुलिस करने के लिए रेडी हुआ? जब रामपाल जी ने बताया करप्शन के खिलाफ है और दो भाइयों की कहानी है, तो हम इंस्पायर्ड है इस स्टोरी को लेके, इसलिए प्रोसीड किया इसको। यश जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनकी तो काफ़ी फिल्में देखी हुई हैं मैंने, और अच्छे कलाकार हैं, इंसान भी अच्छे हैं, जोक्स अच्छे मार लेते हैं जी। यश जी के बारे में, हाँ यश जी के बारे में, अभी तक हम दो फिल्म किए हैं साथ में, हमें ऐसा महसूस हुआ कि आने वाला समय, भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाला समय सबसे उज्ज्वल भविष्य यश जी का होने वाला है। जिस तरीके से वो बेहतरीन इंसान है, उसी तरीके से बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, और इतना ऊंचाई पर आने के बाद आज 6 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और भी 4 फिल्में रिलीज पर हैं, कि हमेशा ज़मीन पर ही रहते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं, और टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। हमारे भोजपुरी दर्शक को और भोजपुरी समाज को जो चाहिए, जिस तरीके से लोगों के सामने लाना चाहिए, वो इनके अंदर है। साथ साथ में आनंद जी जो आने वाले समय में एक ऐसा नायक उभर कर आएंगे, जो पिछले कुछ लोगों का जो बादशाहत है, कुछ लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं की वजह से चल रही है, तो हमें ऐसा लगता है या इस फिल्म के बाद या आगे आने वाली और कुछ फिल्मों के बाद इन लोगों का एक ऐसा समय आएगा जो कुछ लोगों की बादशाहत ख़त्म होगी, और भोजपुरी फिल्म जो आज कम से कम 1000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, मात्र 100 करोड़ 150 करोड़ में सिमट के रह गई है, वो आने वाले समय 500 करोड़ तक ऊपर जाएगी। बस यही इच्छा है, यही चाहते हैं, और इसी कोशिश के साथ हम इस फिल्म को बनाने का प्रयास कर रहे हैं।